हेलो दोस्तों, मैं हूं प्रवीर और आप देख रहे हैं टेक एंड टेक्निक्स। आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं हाईट्यून बेस कंपनी का फैक्ट्री टूर। सो हाईट्यून बेस जो है, इस कंपनी के पास क्या प्रोडक्ट रेंज है और ये जो कंपनी है ये इंडिया में ही अपनी प्रोडक्ट्स को मैन्युफैक्चर करती है और ये जो कंपनी है इनका PA सेक्शन में बहुत ज़्यादा रेंज है। ये एक्सपोर्ट भी करते हैं, इंडिया से बाहर भी बेचते हैं अपने प्रोडक्ट्स को और इंडिया में भी अपने प्रोडक्ट्स को बेचते हैं। और इनके प्रोडक्ट्स हमने टेस्टिंग किया और ऑल ओवर इनका प्रोडक्शन लाइन कैसे होता है, ये कैसे चीज़ों को मैन्युफैक्चर करते हैं, इस वीडियो में हमने सारे चीज़ों को कवर किया हुआ है। तो ये वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो इस वीडियो को ज़रूर एक लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बिल्कुल सब्सक्राइब भी कर लीजिए, क्योंकि हम इस तरह की बहुत सारे टॉपिक्स को कवर करने वाले हैं। और इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा क्योंकि इसमें हम काफ़ी सारे इंटरेस्टिंग चीज़ें आपको दिखाने वाले हैं। सो चलिए ज़्यादा देर ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये है हाईट्यून बेस कंपनी का फैक्ट्री। आप देखने वाले हैं इस फैक्ट्री का फुल टूर, इसमें क्या क्या मैन्युफैक्चर होता है, ये क्या प्रोडक्ट्स बनाते हैं, इनके पास क्या प्रोडक्ट का रेंज है, ये सारे चीजों को आज हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। जैसे ही हम यहाँ पे एंटर करते हैं देखने को मिलती है असेंबली लाइन और काफी सारे PA एम्पलीफायर्स जिनके काफी सारे रेंज हैं, अलग अलग मॉडल्स में भी अवेलेबल है। और यहाँ पे चल रही है इनके PA एम्पलीफायर्स की असेंबली। यहाँ पे आप नीचे में देख सकते हैं काफी सारे PA एम्पलीफायर्स रखे हुए हैं और इंटरनल इनके जो पार्ट्स है इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी देखने को मिली। इसकी जो चेसी है ये काफी स्ट्रॉन्ग है, बिल्कुल भी ये हल्के चेसीज वगैरह यूज नहीं करते और इनके जितने भी प्रोडक्ट्स होते हैं वो इन हाउस इन्हीं के फैक्ट्री में ही बनता है, ये सारे चीज़ वहीं पे बनाते हैं। और ये काफ़ी अच्छी बात है कि एक इंडियन कंपनी जो अपना प्रोडक्ट्स को इन हाउस अपने फैक्ट्री में मैन्युफैक्चर करती है। और इनके पास वो सारे इक्विपमेंट्स हैं, कोई भी मल्टीमीटर्स हो या फिर ऑसिलोस्कोप हो, कुछ भी जो टेस्टिंग करने के लिए एक एम्पलीफायर को चाहिए होता है वो सारे इक्विपमेंट इनके पास अवेलेबल है। और जैसे ही ये बिल्कुल मेक श्योर हो जाते हैं टेस्टिंग करने के बाद कि ये ओके टेस्टेड है, देन उसके बाद इनके प्रोडक्ट्स को पैकिंग के लिए भेजा जाता है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं काफ़ी सारे मॉडल्स आपको देखने को मिलेंगे PA एम्पलीफायर्स में। जहाँ तक मैंने नोटिस किया इनके फैक्ट्री टूर करते टाइम इनके पास काफ़ी सारे प्रोडक्ट्स रेंज है, 25 वाट से लेके 1000 वाट तक का एम्पलीफायर्स मैंने देखा। और यहाँ पे आप देख सकते हैं इनका पैकिंग सेक्शन, और यहाँ पे है इनका केबल सेक्शन जहाँ पे जितने भी प्रोडक्ट्स के इंटरनल जो वायरिंग होती है वो किस तरह से होती है और इसमें जो भी इक्विपमेंट्स ये यूज़ करते हैं इसके वायर मटेरियल काफ़ी अच्छी है। और इनके पावर केबल्स जो होते हैं वो फाल्कन के होते हैं और फाल्कन के जो वायर्स होते हैं वो काफ़ी अच्छा माना जाता है अपने इंडस्ट्री में। और यहाँ पे आप देख सकते हैं इनके चेसी सेक्शन, काफ़ी सारे मॉडल्स के चेसीज हैं, इनकी जो गेज है ये भी काफ़ी अच्छा है, बिल्कुल भी ये हल्के पुल्के मटेरियल नहीं है, काफ़ी हेवी चेसीज हैं। एक प्रोडक्ट का जो बिल्ड क्वालिटी चेसी से ही आपको पता लग जाती है ये किस तरह का क्वालिटी का मटेरियल यूज़ हुआ है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं काफ़ी सारे और भी डिज़ाइंस आपको देखने को मिलेंगे।
ये सेक्शन में जितना प्रोडक्ट का रेंज है, चाहे आप कोई भी हॉस्पिटल्स के लिए, चर्च के लिए, मंदिर के लिए, मस्जिद के लिए, रेलवे, इन सब में जो भी इक्विपमेंट्स लगता है इनके पास वो सारे प्रोडक्ट रेंज है। पुलिस के सायरन से लेके एम्बुलेंस के सायरन तक सारे चीज ये इन हाउस मैन्युफैक्चर करते हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हैं इनका जो वायरिंग होता है वो किस तरह से किया जाता है, और काफी नीट एंड क्लीन तरीके से ये हर वो चीज को मैन्युफैक्चर करते हैं। और इनके जितने भी स्पेयर पार्ट्स है इसकी क्वालिटी भी बहुत अच्छी है। यहाँ पे आप कुछ स्पेयर पार्ट्स देख सकते हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हैं पैकिंग मटेरियल रखा गया है। और नेक्स्ट हम एंटर कर रहे हैं इनके गोडाउन सेक्शन में। आप यहाँ पे देख सकते हैं कितना बड़ा स्टॉक ये मेंटेन करते हैं, क्योंकि इनको एक्सपोर्ट भी करना रहता है अदर कंट्रीज में, तो काफी बड़ा स्टॉक ये मेंटेन करके रखते हैं। जैसे मैं आपको यहाँ पे कुछ मॉडल्स भी दिखा देता हूँ, आप यहाँ पे देख सकते हैं ये कुछ मॉडल्स आपको देखने को मिलेंगे। यहाँ पे 500 वॉट के पी एम्पलीफायर, 350 वॉट के भी पी एम्पलीफायर्स आपको मिल जाएंगे, 250 वॉट के पी एम्पलीफायर्स, 160 वॉट के, 120 वॉट के, 60 वॉट के, 35 वॉट के, 25 वॉट के, ऐसे बहुत सारे मॉडल्स है। अगर मैं आपको बताना चाहूँ, जैसे इनके साथ डिस्कशन हो रही थी तो इनका कहना ये था लगभग 200 प्लस आइटम्स ये मैन्युफैक्चर करते हैं इस फैक्ट्री में, चाहे वो एम्पलीफायर्स हो या फिर कुछ काउंटर कम्युनिकेशन सिस्टम हो, कुछ स्पीकर्स हो, ऐसे बहुत सारे आइटम्स ये यहाँ पे मैन्युफैक्चर करते हैं। और काफ़ी बड़ा इनका गोडाउन भी है। यहाँ पे आप देख सकते हैं काउंटर कम्युनिकेशन और कुछ मिक्सर्स भी ये मैन्युफैक्चर करते हैं, और भी ऐसे बहुत सारे चीज़ें हैं इनके पास जो ये मैन्युफैक्चर करते हैं। अगर आपका रिक्वायरमेंट रहा तो उन सब प्रोडक्ट्स का भी हम आगे चल के आपको डिटेल में बताने की कोशिश करेंगे। इस वीडियो में सिर्फ ये था कि मैं आपको दिखाना चाहता था हाईट्यून बेस का जो फैक्ट्री है वो क्या क्या मैन्युफैक्चर करते हैं, और एक ऑल ओवर टूर मैं आपको देना चाहता था एक फैक्ट्री का। ऑल ओवर इस फैक्ट्री का जो टूर है मेरे लिए काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा, क्योंकि मैंने काफ़ी सारे प्रोडक्ट्स को वहाँ पे देखा नए नए डिजाइन के साथ। जैसे आप ये फर्नल देख रहे हैं जो कि कुछ अलग ही टाइप का है, व्हाइट कलर में इन्होंने अलग से बनाया हुआ है। यहाँ पे आप कुछ इंस्टॉलेशन स्पीकर्स भी देख सकते हैं, अलग अलग डिजाइन का इनके पास इंस्टॉलेशन स्पीकर्स भी आपको मिल जाएगी, कार स्पीकर्स भी आपको इनके पास मिल जाएगी, और बहुत सारे ऐसे आइटम्स हैं। अगर आप सबका रिक्वायरमेंट रहा तो मैं आगे वो सब प्रोडक्ट्स भी आपको दिखाने की कोशिश करूंगा। सो दोस्तों, आपने देखा हाईट्यून बेस का फैक्ट्री टूर, और आप हमें कमेंट करके बताएं आपको ये फैक्ट्री टूर कैसा लगा और इनके प्रोडक्ट्स आपको कैसे देखने को मिले। ऑल ओवर अगर मैं अपना एक्सपीरियंस कहूँ, पीए सेक्शन में ये जो कंपनी है काफ़ी अच्छा काम कर रही है, और इनके प्रोडक्ट्स जो है काफ़ी अच्छे देखने को मिल रहे थे, और इनका जो रेंज है वो भी काफ़ी अफोर्डेबल है। आप एक बहुत अच्छा अफोर्डेबल बजट में अपने लिए पीए सिस्टम्स खरीद सकते हैं इनसे। और ये जो वीडियो है ये ऑलरेडी मैंने जब मैं दिल्ली गया हुआ था लास्ट 15 डेज पहले, तो उस टाइम में इनका फैक्ट्री टूर किया था और वहाँ पे हमने इस वीडियो को शूट किया था, और मेरा जो एक्सपीरियंस है इस फैक्ट्री टूर का काफी अच्छा रहा। सो फिलहाल आज के इस वीडियो में इतना ही। मैं आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को जरूर एक लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, और अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए, क्योंकि हम इस तरह के बहुत सारे टॉपिक्स को कवर करते हैं। सो मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, सी यू सून।